हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइब तहसीलदार रिक्रूटमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ही जल्दी नाइब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट होने वाली है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नायब तहसीलदार का जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है उसका सिलेबस क्या रहेगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहेंगी और जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या रहेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन के सिलेबस की। तो दोस्तों, आपका एग्जामिनेशन जो नायब तहसीलदार का है ये दो फेज में होने वाला है। एक होगा आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और दूसरा होगा आपका मेंस एग्जामिनेशन। सबसे पहले दोस्तों डिस्कस करते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन दोस्तों आपका 120 मार्क्स का रहने वाला है और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इसमें दोस्तों तीन सेक्शन से मेजरली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, या मैं कहूँ एचपी जीके से आपके 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो एचपी जीके का सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि अकेला सेक्शन 30 मार्क्स कैरी करता है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, या मैं बोलूं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का सेक्शन दोस्तों आपका 50 मार्क्स कैरी करता है और दोस्तों करंट अफेयर्स आपको पिछले 10 से 12 महीने के बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों तीसरे सेक्शन की। पेपर विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। तो दोस्तों, इन सारे टॉपिक्स को मिला के आपके 40 नंबर के क्वेश्चन तीसरे सेक्शन से भी आने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि कितने मार्क्स का आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन रहने वाला है और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों मेंस एग्जामिनेशन की। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। मेंस एग्जामिनेशन जो है दोस्तों, इसमें आपके चार पेपर होने वाले हैं, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री एंड पेपर फोर। तो दोस्तों, पेपर वन जो आपका रहेगा वो रहेगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। ये 100 मार्क्स कैरी करेगा और इसका जो ड्यूरेशन होगा एग्जाम का वो होगा 2 आवर्स, 2 घंटे का एग्जामिनेशन आपका रहने वाला है। दोस्तों, आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए जीके और करंट अफेयर्स पहले से ही बहुत स्ट्रांग रख लीजिए ताकि आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पे आपकी पकड़ हो जाए, क्योंकि ये सेक्शन प्रीलिम्स से ही पूछा जाएगा और मेंस से ही पूछा जाएगा। दूसरा सेक्शन जो है दोस्तों वो है जनरल इंग्लिश का। जनरल इंग्लिश के सेक्शन से दोस्तों आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके लिए जो टाइम होगा वो होगा 1.5 आवर्स। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश से ऐसे भी पूछा जाएगा दोस्तों आपसे, थर्ड जो पेपर रहने वाला है उसमें, और ये 50 मार्क्स का रहने वाला है। इसके लिए भी जो टाइम होगा वो डेढ़ घंटे का टाइम होगा, 1.5 आवर्स का टाइम होगा। उसके बाद दोस्तों हिंदी का सेक्शन भी आपका 50 मार्क्स का पूछा जाना है और इसके लिए जो टाइम होगा, इसके लिए भी टाइम 1.5 आवर्स का रहने वाला है। तो दोस्तों, ये था आपका मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस और जो आपके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके जो एग्जामिनेशन है उसमें टोटल वैकेंसीज कितने रहने वाली हैं। तो दोस्तों, जो अभी न्यूज आई है उसके अकॉर्डिंग जो टोटल आपकी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी वो 20 वैकेंसीज आपकी देखने को मिलेंगी एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों, 20 वैकेंसी आपकी है नायब तहसीलदार की। और अब सिलेक्शन प्रोसीजर की थोड़ी बात कर लेते हैं। जो आपका दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद दोस्तों आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दोस्तों जिस बच्चे का क्लियर होगा उसको मेंस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा और दोस्तों फर्दर जिनका मेंस एग्जामिनेशन क्लियर होगा उनका इंटरव्यू होगा और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैंने कोशिश की आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे सकूं रिलेटेड टू द नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट। तो दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।